Namaste dear students and dear parents, how are you all? Welcome to RIT online classes. Today we are here to talk about doc number 7, topic number 2. Before starting our topic, I would like to tell the resources. We need the content book, we need the notebook, we need the workbook and your pencil. Now, as you know that we have to revise the previous topic. So, the topic name was joints, yes. Can you tell me where do we have the joints in our body? We have the joints in our shoulders, we have in our neck, we have in our elbow yogi, koni, we have in our hip, we have in our knee and the ankles, right? Ankles and tummy. Wow, very good. So you can move your body with the help of joints. Joints, what they can? Joint is a place where two bones are meeting, yes, the two bones meet. The उसके बीच में जो उनका connection करता है, वो होता है joints. अच्छा joints के बीच में क्या होते हैं? वो आपस में टकराते हैं. तो joints में क्या होता है? Fluid होता है, yes. और वो क्या बनाता है fluid? Cushions बनाता है. Wow, very good. So now, अच्छा मुझे बात, जो हमारे joints हैं, आपको क्या लगता है कि हर joint move करता है? ये move कर रहा है, ये move कर रहा है. अच्छा but ये जो skull वाला joint है, हमारे skull के अंदर है ना, क्या लगता है आपको वो पूरी जो खोपड़ी हमारी हाथों में निशान बने हुए हैं इसमें जॉइंट होते हैं, बहुत हेयरलाइन जॉइंट होते हैं, बहुत पतले, तो क्या वो मूव करते हैं? ओके, टुडे वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक कि क्या सारे जॉइंट्स मूव करते हैं या कुछ जॉइंट मूव करते हैं. वी विल टॉक ऑन दिस. सो टॉपिक नंबर 2 इज टाइप ऑफ जॉइंट. मीन टुडे वी विल टॉक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर, राइट? सो our aim is differentiate between movable and immovable joints. Today we'll talk कि कौन से joints हैं वो movable हैं और कौन से joints हैं वो immovable, यानी movable नहीं है, यानी स्थिर हैं, चल रहे हैं, वो move नहीं करते. Then there are two words, that is movable and the immovable. ठीक. Now you will do one little bit exercise and then what you will do? You will touch those parts whichever I will be saying to you. मैं मतलब कुछ आपको बोलूँगी instructions कि आप करोगे वो और आप फिर उस part को touch करोगे, है ना? और फिर आप check करोगे क्या वो move कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Clear? Now hold your hand and your wrist. Wrist क्या होता है? कलाई, यहाँ पे ना ये चीज है. अब आपने यहाँ पे ना, मैं आपको तीन चीज बोलूंगी. एक तो आपको fingers और wrist पकड़नी है, आपको अपना स्कल यानी खोपड़ी पकड़नी है और आपको अपना क्या रिब पकड़ना है. ठीक है, उनको आपने पकड़ के उनको फिर फील करना है जब आप मूवमेंट करोगे. ठीक है, चलो लेट स्टार्ट विद द हैंड. हैंड पकड़ के फिंगर्स पकड़ो, मूव कर लो, करें ना ऐसे करो, है ना? देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं. रिस्ट पकड़ो, कलाई मुड़ाओ, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, है ना? बोलिए. अच्छा आप स्कल पकड़ो, स्कल पकड़ो, हिलाओ, नेक हिल रही है, आइए करो, नेक हिल रही है, क्या यही हिल रहा है? ट्राई करो. अच्छा अब अपने रिब्स पकड़ो, रिब्स होते हैं यहाँ पर, ये इनको पकड़ के लाने की कोशिश करो, नहीं तो हाथ में हमारा टमी हिल रहा है. क्या वो हिल रहा है? क्या हमारा स्कल हिला? आप देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड दीज बॉडी पार्ट्स मूव? हमारी जो फिंगर्स थी वो हमारी लेफ्ट राइट अप डाउन बेंड भी हो रही थी, ओपन भी हो रही थी, हो रहा था कुछ. व्हाट अबाउट द रिस्ट? रिस्ट भी हमारी आगे भी हो रही है, पीछे भी हो रही है, राइट भी हो रही है, लेफ्ट भी हो रही है, बट स्कल क्या मूव किया? नहीं. जो अगर मैं इसको मूव करूँगी, इसको मूव करूँगी तो क्या ये मूव होगा? नहीं, ये मूव यहाँ से होगा. चलो नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डिड दे मूव? जो हमारी फिंगर्स हैं और हमारी रिस्ट है वो लेफ्ट राइट अप डाउन साइड डायरेक्शन में मूव करी है. हमारी जो फिंगर्स है वो फोल्ड भी हो रही है, है ना? और हमारी फिंगर्स ओपन भी हो रही है, ना बंद भी हो रही है, खुल भी रही है. जैसे हमारा डोर नहीं खुलता है ना, लैपटॉप देखा आपने, लैपटॉप जब हम करते हैं फिर ओपन करते हैं तो उनके बीच में एक ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट, है ना, हिंज चाहिए. इस टाइप से हमारे भी फिंगर्स काम कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट रिस्ट? रिस्ट अप डाउन राइट लेफ्ट हो रही है, बट ये पूरा फोल्ड नहीं हो रही है, राइट? व्हाट अबाउट स्कल? स्कल नहीं मूव कर रहा, इवन हमारे रिब्स भी नहीं मूव कर रहे. ओके नेक्स्ट, हाउ इट फील? वाओ, लाइक जब हम फिंगर,
इट फील्स लाइक मूवेबल, लाइक फिंगर की और रिस्ट लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं, वो है ना मूवमेंट हो रही है, बट स्कल की और रिब्स की में मूवमेंट नहीं हो रही. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू सी व्हेन यू लुक एट एन एक्सरे, सॉरी डू लुक एट द एक्सरे. ये हमने एक्सरे देखा है ना, सो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें बोन्स दिख रही है, इसमें जो ये गैप्स है, ये गैप्स हमारे जॉइंट्स है, हमें बोन्स एंड जॉइंट्स दिख रहे हैं ना. ये देखो ये हमारे बोन्स है ना, और ये जो हमारे इधर पार्ट यहाँ पे हमें ज्वाइन कर रखा है, ये हमारे जॉइंट्स, हमें ये दिख रहा है. अब अपने बॉडी को आपको याद रखना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन सी इन योर S2. So you can take the help of your workbook of page number 40. Okay. इसमें there are two pictures are given. X-ray है, एक hand का X-ray, एक rib का X-ray. जब हमने अभी एक exercise करी थी कि आपने body parts move किए थे, hand move किया था, अपना wrist move की थी, आपने अपना rib cage move करने की कोशिश की थी, तो आपने देखा था वो movement हो रही है नहीं हो रही है. So आपने क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान से देखना है और आपने ये बताना है कि इन दोनों में जो हैंड और रिब के जो आपके हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, वो डिफरेंस लिखना है और फिर आपने इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. ये दोनों आप करोगे अपनी नोटबुक में. ठीक है, सो यू कैन डू द दिस एक्टिविटी इन द वेन डायग्राम, या आप वेन डायग्राम के अलावा भी आप लाइक दो यहाँ पे हैंड लिखोगे, यहाँ पे आप रिब के जैन बीच में लाइन, तो दोनों में डिफरेंस आएंगे और फिर सेम रहेंगे. बट बेटर वे इज टू राइट इन अ वेन डायग्राम. इधर में यू आर राइटिंग अबाउट रिब केज, रिब केज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वो कर पा रहा है, कैसे है. नेक्स्ट इज अ हैंड है ना, यहाँ पे हैंड और यहाँ पे आप लिखोगे इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी, क्या तुम्हें सेम लगा. ठीक है, let's have a look how I have done the activity. Please do the activity in a very good handwriting. Parents, please help your child in doing. Parents, please help your child in doing the activity in a very good handwriting. Just have a look how I have done the activity. Here I have written the hands. Here I have written about the rib cage, and these are the similarities. Now I'm going to ask the questions based on the activity. My first question is, what did you see in these X-rays? जो आपने X-rays देखे, उनमें आपने क्या देखा? We saw a lot of bones and joints. ये हमारा for example X-ray है, ऐसा दिख रहा है हमें. इसमें हमें क्या दिख रहा है? बहुत सारी हड्डियाँ दिख रही है ना, bones दिख रही है. और क्या दिख रहा है हमें? Joints, है ना? चलो, next. How did each joint move? जो joints हैं हमारे hands के, वो joints क्या हो रहे हैं? कुछ bend हो रहे हैं, कुछ rotate हो रहे हैं, है ना? कुछ up and down हो रहे हैं ना, कुछ close भी हो रहे हैं, हम लोग बिल्कुल bend कर देते हैं, है ना? But rib वाले हैं वो नहीं move कर रहे. Next, what was similar in the X-rays of the hands and rib cage? आपने hands और rib cage जो similarity है वो बता दी है. Next is what is the difference? और उनके बीच में क्या difference था? So just have a look at the Venn diagram. This is, let's start with the hands. They can move. We can move our hands. हम hands को किसी भी movement, कोई भी movement कर सकते हैं. Next, can bend. हम अपने fingers को bend कर सकते हैं. Fold होगी, bend होगी. ठीक. Lot of joints. जो हमारा hand है वो हमारा extra है. कितने सारे joints या दुनिया भर के बहुत सारे lot of joints are there, है ना? Lot of bones are there, right? Let's talk about the rib cage. अगर हम rib cage की बात करें तो rib cage में we have they're not moving. हम इनको move नहीं कर सकते, है ना? ये move नहीं हो रहे. Hand है ना, हम move कर सकते. But rib cage move नहीं हो रहा है. Can't rotate नहीं हो सकता. Can't bend, इसको हम bend नहीं कर सकते. ऊंचाई फेवर joints, बहुत ही कम joints होते हैं. जो आपने ये देखा होगा extra अगर, तो इसमें joints बहुत कम है, बहुत ही कम joints है ना. Next, and less bones. इनमें bones भी एक दो तीन बहुत रेयर है, बट जो हैंड है, hands में हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ बोन्स. Next, talk about similarity. इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी? X-rays में दोनों ब्लैक एंड व्हाइट कलर के थे,
और क्या था दैट इन दोनों में बोन्स भी है और जॉइंट्स भी है ना, इससे मैटर्स है। I'm going to tell you one amazing fact that in our body, the longest bone is our thigh bone and the smallest bone is our ear bone. जो thigh bone होती है वो हमारे hip से लेके हमारे knee तक, ये वाली जो bone है, ये longest bone होती है, ear bone, ears bone होती है। Next question. Let's move towards our question part. Why could you move your fingers and wrist but not your lips? आप fingers और जब आप wrist है वो क्यों मूव कर पा रहे हो, रिब्स वो मूव हो रही ना बट रिब्स नहीं हो रही, क्यों? बिकॉज हमारे फिंगर्स में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, हमारे रिस्ट में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। सी ये देखो छोटे छोटे बोन्स हैं और हर इतनी बोन में पार्ट में जॉइंट, फिर छोटी बोन है देन जॉइंट, लॉट ऑफ जॉइंट्स, हेयर जॉइंट्स, हेयर जॉइंट्स, जिन्हें जॉइंट्स हैं राइट। सो बट हमारे रिब्स में इतने जॉइंट्स नहीं हैं और हमारे रिब्स के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा हार्ट भी है, हमारा लंग्स भी होते हैं, सो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दैट इज द रीजन वो इमूवेबल है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी हैव जॉइंट्स दैट आर इमूवेबल? कुछ जॉइंट्स हैं हमारे इमूवेबल है, लाइक हमारे जो स्कल है ना, उस स्कल वो भी नहीं मूव करता है, उसमें भी हल्के हल्के वी हैव द जॉइंट्स। सेम इज अ रिब केज, जॉइंट्स मूव नहीं करते। कुछ हमारे हिप्स में भी होते हैं, वो जॉइंट्स मूव नहीं करते। हमारे इमूवेबल जॉइंट्स कुछ होते हैं बॉडी में जो मूव नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं वो? बिकॉज हमारे एज आई टोल्ड यू ऑलियर ऑल्सो कि उसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कल है, स्कल में क्या होगा, हमारे ब्रेन है, स्कल में जो है हमारे हेयर लाइन जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल बाल जो है हमारे बाल, एक बार ऐसा जॉइंट मिलेगा वो मूव नहीं करता हमारे ब्रेन को, अगर वो मूव करेगा तो हमारे वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। सेम विद द रिब, जो हमारे रिब्स होते हैं उसके हमारे अंदर हमारे लंग्स होते हैं ना, फेफड़े होते हैं, सो फेफड़ों को भी वो प्रॉब्लम करेगा अगर हमारे वो, अगर मान लो हमारा रिब है वो मुड़ सकता है, ठीक है, हम ऐसे मुड़े तो वो मुड़ गया तो हमारे लंग्स मुड़ जाएंगे, हमें सांस नहीं आएंगे। सेम आर हार्ट, दिल है हमारा, दिल अगर हमारा रिब के जगह से फोल्ड हो रहा है तो हमारे वो दिल को भी फोल्ड कर देगा, उसको वो डैमेज कर सकता है, इसीलिए हमारी बॉडी में कुछ इमूवेबल जॉइंट्स हैं एंड ज़्यादा हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एल्स इन द बॉडी डू वी हैव मूवेबल जॉइंट्स? हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मूवेबल जॉइंट्स हैं, कहाँ इमूवेबल जॉइंट्स हैं, लेट्स सी। इन मूवेबल जॉइंट्स में हमारे पास है रिस्ट, कलाई और फिंगर्स वाला जो हमारा हैंड है वो, एंकल, एंकल हमारा टखना, ये जो होता है हमारा इसको बोलते टखने, नी घुटना, हिप हमारे ये, नेक्स्ट शोल्डर्स कंधे। आई वांट टू टेल यू हेयर ऑल्सो, देखो मूवेबल जॉइंट्स है हमारे कहाँ पर है, हमारे शोल्डर्स में, हमारे नेक में, हमारे एल्बो में, हमारे ब्रेस्ट में, हमारे हिप्स में, नी में और एंकल्स में। नेक्स्ट लेट्स सी टुवर्ड्स द इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट होते हैं स्कल, यानी खोपड़ी में यहाँ पर। नेक्स्ट रिब केज, रिब केज ये इमूवेबल है। जॉ, सम जॉज, जॉ जो हमारा जबड़ा होता है वहां पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर है ये जो जॉइंट्स है इसमें इमूवेबल जॉइंट नहीं है। एंड लास्ट वन इज सम हिप्स, जो हमारे हिप्स होते हैं इसमें हमारा ये वाला जॉइंट जो टच हो रहा है वो जॉइंट मूव होता है, बट ये वाले जॉइंट जो हैं ये वाले ये हमारे मूव नहीं करते। सो जॉ और हिप्स में सम जॉइंट्स मूव एंड अदर्स आर इमूवेबल जॉइंट। I want to tell you one amazing fact. As you know कि we have 206 bones in our body. हमारे body में 206 bones होते हैं, पर आपको पता है जो न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कितने bones होते हैं, हमसे कम होनी चाहिए ना, नहीं, उनके अंदर 300 bones होते हैं, ठीक है, 300 bones होते हैं और फिर बाद में वो 206 कैसे हो जाते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो कुछ उनकी जो bones होती है वो आपस में फ्यूज टूगेदर, वो आपस में जुड़ जाती हैं और वो एक बड़ी bone बन जाती है, इसीलिए हमें ना थोड़ा सिक्स बोन्स होते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट व्हाई, जब वो बड़ा होता था फिर उसके बोन्स थोड़े सिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट व्हाई डू डॉक्टर्स नीड टू हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स? डॉक्टर जो होते हैं वही है, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि एक्सरे देखो रीड करो तो मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे एक्सरे रीड करने नहीं आते, मेरे पास वो स्किल नहीं है,
एक डॉक्टर ही बता सकता है कि एक्स्ट्रा कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। सपोज किसी के हाथ की कुछ बोन टूट गई, ठीक है, तो हम इसमें एक्सरे में देखेंगे। अब मैं देखूंगी तो मुझे लगा अरे ये भी टूटी पड़ी है, यहाँ से भी टूटी पड़ी, यहाँ से भी टूटी हुई, तो मुझे तो हर पूरा हार्ट टूटा हुआ नजर आएगा। बट जो डॉक्टर का वो बहुत ध्यान, उसको पता होता है कि हमारी बोन है वो कितनी बड़ी है, उसमें क्या है। फिर बहुत बार होता है हमारी जो बोन्स में ना, कभी कभी हेयर लाइन फ्रैक्चर देता, मेरा बाल पतला आपके बाल है ना, इतना भी हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं उसको, वो भी आ जाता है। अब मान लो किसी बोन में हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, अब हमें क्या होगा, हमें स्वेलिंग आ जाएगी उस जगह पे और हमारा पेन होना शुरू करेगा। मैंने एक्सरे करवा दिया, अगर मेरे पास कोई आता मैं देखती हूँ, हाँ मुझे, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी देख सकती हूँ, और मैं कहूँगी नहीं नहीं कुछ नहीं है जॉब उसमें, तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। बट डॉक्टर को हर बहुत कीनली ऑब्जर्व, ये सारी चीज़ें उसको आती हैं, उसको ये करना आना चाहिए कि वो कैसे, कितनी बोन्स हैं, कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर कैसे देख रहा है, तो ये सब उसको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मिडलाइन स्कल्स हैव इमूवेबल जॉइंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कल और रिब्स के अंदर वी हैव इंटरनल ऑर्गन्स, लाइक इन स्कल वी हैव ब्रेन, इन लंग इन दिस, इन रिब्स वी हैव द लंग्स एंड द हार्ट। सो अगर उनमें मूवेबल जॉइंट्स होंगे, तो जैसे मान लो हमें कोई सर में मारता है, जब हम लोग जमीन पे गिर जाते हैं, हमें उससे मारते, तो हमारे पूरी यहाँ पे यह हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें ब्रेन में कुछ नहीं होता है। बट अगर जॉइंट्स होंगे तो वो जॉइंट टूटेगा, वो जॉइंट टूट के हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। सेम विद द लंग्स, लंग्स हैं हमारे रिब्स में, हमारे रिब्स अगर घूमना शुरू हुई तो हम ऐसे घूम जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे हमारी फिंगर्स बैंड होती है, मुट्ठी बन जाती है, अगर इसमें होगा तो हमारे लंग्स बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएंगे, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे ब्रीदिंग में। प्रॉब्लम सेम विद द हार्ट, हार्ट में हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द जॉइंट्स इन द स्कल वर मूविंग। सोचो अगर हमारे जो स्कल है, स्कल के जो हमारे जॉइंट्स अगर वो मूव करेंगे तो क्या होगा। अगर हमारे स्कल्स के जो जॉइंट्स हैं वो मूव करेंगे तो कहीं कभी ना कभी वो जॉइंट्स हैं वो हमारे ब्रेन को डैमेज करेंगे, वो हमारे ब्रेन को नुकसान करेंगे। और एज यू नो ब्रेन हमारा कितना बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है, उससे हम सोचते हैं, थिंकिंग, रीडिंग, हेल्पिंग, हर चीज़ जो हमें सेंसरी हमारे जो है बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है, वो हर चीज़ किसके थ्रू होती है, ब्रेन के थ्रू होती है। और हमारे ब्रेन में गड़बड़ होगी ना, समझो हमारे अंदर गड़बड़ होगी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि हमारे जो स्कल में वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नाउ कंप्लीट योर S2 ऑफ पेज नंबर 40 in your workbook. The question number 1 is, why can your wrist move in so many directions? जो आपके wrist है यानी कलाई, वो इतने directions में move कैसे कर सकती है? You have to write that. Next, why does a rib cage have joints? Why are they immovable? जो rib cage में है उनमें joints क्यों होते हैं और वो immovable क्यों हैं? Next, third question is, what would happen if the joints in the ribs वर मूवेबल, अगर आपके रिब्स के जो जॉइंट्स हैं वो मूव करेंगे तो क्या होगा, यू हैव टू राइट दैट। नाउ रीड कंटेंट बुक पेज नंबर 38 अंडर द हेडिंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड पेज नंबर 39 द फर्स्ट टॉप पैराग्राफ। ओके, द होमवर्क इज दैट यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 3 in your notebook. Question number 3 is, how are movable joints different from immovable and give examples of each. So let's sum up what we have done. Today we have seen that the immovable joints, yani kaun kaun se joints move kar sakte hain aur kaun se joints move nahi kar sakte. Movable joints kaun kaun se hamare, we have our hands, hai na, हैंड्स में है हमारे रिस्ट, जो हैंड में हमारे रिस्ट में हमारा है, हमारा एल्बो में मूवेबल जॉइंट है, देन वी हैव इन द नेक में हमारा जॉइंट है, देन वी हैव इन हिप्स, कुछ हमारे हिप्स में जॉइंट्स है, देन वी हैव इन आवर एंकल्स, टखनों में है, नी में है और हमारे शोल्डर्स में है ना। लेट्स मूव टूवर्ड्स इमूवेबल, जो जॉइंट मूव नहीं कर सकते। फर्स्ट स्कल, खोपड़ी में, नेक्स्ट रिब केज, नेक्स्ट सम
सम इन जॉ, जबड़ों में कुछ है नहीं मूव करते, एंड सम इन हिप. I hope the this topic is clear to you. Before saying bye, there is one amazing fact that more of the people, जो ज़्यादा लोग होते हैं उनमें कितने 12 ribs होती हैं, 6 this side and 6 this side, ठीक है, 12 होती हैं, but 1% जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, 13 होती हैं. और जब 13 ribs जो होती है ना, वो क्या करते हैं, उनको neck में problem create करती है, ठीक है. तो उनको क्या करना पड़ता है, operate करवा के उस 13 rib को उनको निकलवाना पड़ता है for a better life. The resources which we need for tomorrow are the content book, notebook, workbook and your pencil. Thank you and have a nice day.